हेलो सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। मैं हूं आपका जे जे भैया। बहुत टाइम बाद यहां पर हम लोग ने डाली एक वीडियो। और तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं गेम जिसका नाम है वाइकिंग राइज। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं गेम को स्टार्ट। और यहाँ पर आज हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 गेम का। तो गाइस, इसमें जो टास्क दिया है कि हमें ये वाले विलेज को जो है पूरा ऑक्यूपाई करना है, हमारे कब्जे में लेना है, तो उसके लिए हमें ये विलेज पे अटैक करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी यहाँ पर अटैक करने के लिए हमें जो दिखा रहा है हमारी स्क्वाड के साथ, क्लोज इन स्ट्रेंथ विक्ट्री इज़ अनसर्टेन, यानी कि हम लोग हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस, यहाँ पर मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ी आर्मी जो है मेरी वो अपग्रेड करूँगा, उसके बाद जाके अटैक करूँगा। तो गाइस, जो रिक्वायरमेंट आर्मी है वो है T2 लेवल की। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है अपग्रेड हो चुका है, तो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और आर्मी जो रिक्वायर्ड है वो है T2 लेवल की, और मेरे पास जो है ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली T1 लेवल की है। तो गाइस, बैकपैक में जो हमारे पास सामान है वो है, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत और टास्क है। तो गाइस, अभी हम जाएंगे रिसर्च सेंटर में, और यहाँ पे मिलिट्री में हमें करना है एक्स फाइटर को लेवल 1 का, जिसके लिए हमें चाहिए एकेडमी लेवल 8। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग एकेडमी को कर लेंगे अपग्रेड, जिसके लिए हमें चाहिए रिसोर्सेज, और हमारे पास रिसोर्सेज अभी कम है। तो गाइस, हम लोग जाएंगे फटाफट से बैकपैक में, और बैकपैक से कुछ रिसोर्सेज जो है वो कर लेंगे कलेक्ट। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकपैक में बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं जो मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 37,000 स्टोन्स जो हम लोग एक कलेक्ट कर लेंगे, और वुड्स 150,000 हम लोग कलेक्ट कर लेंगे वुड्स, क्योंकि हमें वुड्स की आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस, फटाफट से यहाँ पर हम लोग जो है एकेडमी को डाल देते हैं लेवल 8 के लिए। और यहाँ पर फटाफट से कम्प्लीट करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्पीडअप के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो गाइस, 3 आवर्स का पहले एक कर लेंगे, यहाँ पर वो गाइस 1 का हो चुका है 1 आवर्स का, और यहाँ पर लास्ट 8 मिनट्स बाकी है, उसके लिए भी हम लोग स्पीड अप कर लेंगे 5 मिनट्स का एक, और बाकी 1 मिनट्स का या 3 मिनट्स का भी रहता है। तो गाइस, यहाँ पर 3 मिनट्स का एक कर लेंगे यूज़। और गाइस, लास्ट बाकी है 44 सेकेंड्स, तो हम लोग वो थोड़ा वेट कर लेंगे। तब तक हम लोग जो है हमारे एक्सपी इकट्ठा कर लेते हैं हीरोज़ की एक्सपीरियंस, उनको जो मिलता है, ट्रेनिंग चल रही है सबकी। फिर गाइस, उसके बाद अभी हमको स्क्वाड बेस भी लेवल 7 का करने को है, पर वो भी हम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे थोड़ा सा वेट। तो गाइस, फाइनली जाके यहाँ पर हमारा जो एकेडमी है वो हो चुकी है लेवल 8 की, और यहाँ पर डेली क्वेस्ट जो है हम लोग थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेंगे डेली क्वेस्ट से। तो गाइस, यहाँ पर एकेडमी हो चुकी है लेवल 8, हम लोग अभी फटाफट से ये क्लेम कर लेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं लेवल 2, डेली का होता है गाइस ये। तो यहाँ पर हम लोग अभी बैक करके फटाफट से जाएंगे एकेडमी में, और कर देंगे बूस्ट हम लोग एक्स फाइटर को लेवल 1 पे, ताकि हम T2 लेवल के ट्रूप जो है वो ट्रेन कर सके। तो गाइस, इसके लिए भी हमें चाहिए रिसोर्सेज, जो कि हम लोग वापस से शायद बैकपैक से लेंगे, अगर हमें बाहर नहीं मिले तो। एक्स फाइटर को करेंगे अपग्रेड, जिसके लिए हमें चाहिए 11 आवर्स वेट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले। और यहाँ पर हम लोग अपग्रेड करने के बाद फटाफट से इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे यार। तो हम लोग करेंगे इसको असिस्ट, ताकि डायरेक्ट ये लोग ट्रेनिंग में चले जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको स्पीड अप। उतना कर लेंगे हम लोग वेट। तो गाइस, डेली क्वेस्ट से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हुआ है उससे हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर बचे कुछ ही सेकंड्स, तो हमारा हो जाएगा एक्स फाइटर लेवल 1, यानी कि T2 लेवल का अपग्रेड। और तब तक हम लोग कर लेंगे कुछ रिसोर्सेस कलेक्ट और रिवॉर्ड्स कलेक्ट। तो गाइस, फाइनली हमारा T2 लेवल भी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग जो कर लेंगे ट्रेन, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे इन्फेंट्री बैरक में, और जाके जो हमारे T1 लेवल के ट्रूप्स हैं उसको ही हम लोग एक्स फाइटर यानी कि T2 लेवल में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अपग्रेड का साइन दिखा रहा है, वहाँ पे जाके हमको चाहिए 58 मिनट्स प्रमोट करने के लिए। तो हम लोग 58 मिनट्स का प्रमोट कर देंगे, और
ऑब्वियसली स्पीड अप्स हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग इतना देर रुकने तो वाले हैं नहीं। तो गाइस यहाँ पर फटाफट से देख लेंगे हम लोग क्या है, ट्रेनिंग स्पीड अप्स अगर रहेगा ट्रेनिंग कर लेंगे और जो भी रहेगा। तो यहाँ पर वेट करते थोड़ा। तो गाइस बहुत सारे ट्रूप्स अपग्रेड करने के बाद फिर भी आप देख सकते हैं विक्ट्री जो है वो क्लोज इन स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। तो हम लोग अभी भी रिस्क नहीं लेंगे, जब तक वहाँ पे अ पीस ऑफ केक लिख के नहीं आएगा तब तक मैं अटैक नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस हम लोग करेंगे थोड़े और ट्रूप्स अपग्रेड, आप देखिए फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग जो T1 लेवल के T2 में कन्वर्ट कर रहे थे उसके वजह से हमारी आर्मी जो है वो छोटी पड़ती जा रही है। तो हम लोग को अभी आर्चर और दूसरे ट्रूप्स भी और ट्रेन करने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग वो भी करते हैं, उसके बाद अटैक में एक बार वापस जाके चेक करेंगे कि क्या दिखा रहा है, फिर करेंगे अटैक। एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस फाइनली एक बार और हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि अभी क्या दिखाएगा। और अभी मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो मेन है उसको चेंज कर देंगे हीरो, सेकंड हीरो को। फिर भी यहाँ पर गाइस क्लोजिंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्यों एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। और मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग को और ट्रूप्स की ज़रूरत है T2 लेवल की। तो गाइस इस बार मैं अपग्रेड नहीं करूँगा, इस बार मैं और दूसरे नए ट्रेन करूँगा ताकि हम लोग के पास ट्रूप्स की भी कमी ना हो। A few moments later. तो गाइस बारी आ चुकी है एक और बार चेक करने की, यहाँ पर सेकंड हीरो चेंज करके हम लोग दूसरा करेंगे। और गाइस फाइनली यहाँ पर दिखा रहा है अटैक इज द पीस ऑफ केक। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग कर सकते हैं मार्च, हम लोग कर देंगे ये वाले बेस पे अटैक। तो गाइस हमारी आर्मी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे बेस पे और अटैक जो हो चुका है शुरू। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग जीतते हैं या हारते हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली जो ये वाला बेस है हम लोग ने कर लिया है ऑक्यूपाई और हमारा लेवल 14 है हो चुका है कंप्लीट। और ये बेस ऑक्यूपाई करने के लिए हमें मिले हैं थोड़े बहुत और वर्कर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 और मिले हैं। और गाइस फाइनली यहाँ पर लेवल 14 हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर हम लोग ये वाले विलेज में भी एक हीरो को रखना पड़ेगा, तो एक हीरो हम लोग ये वाले विलेज में कर देंगे। Occupy the village to take the whole control of the area. Gather up now. तो गाइस लेवल 14 हो चुका है कंप्लीट और लेवल 15 के भी थोड़े बहुत टास्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो गाइस अभी हम लोग लेवल 15 खेलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में बताना, वीडियो को करो लाइक यार और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, कैसा लगा हमारा नया विलेज ये भी कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Yeah.